डर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो इस्टेंजा नंबर एटीन ऑफ दिस पोए एलिजीलिटिन इन अ कंट्री चर्च यार्ड तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लास्ट स्टेंजाज में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या करने के मौके जो ये डेड फोर फादर्स ऑफ दिलेज विलेज जो हैं जो कि डेड एनसेस्टर्स ऑफ दिस विलेज हैं जो इस गांव के पूर्वज हैं जो पहले रहा करते थे और अब कब्रिस्तान में दफ्न है जहाँ पर कवि uh, जो है हमारे टॉमस ग्रे हु इज़ राइटिंग दिस पोएम तो अभी हमने लास्ट एंड थ स्टैंड में जो आइडिया हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको बहुत जो ये जुमरत विलेजर्स हैं जो डेड विलेजर्स हैं उनको क्या क्या करने के मौके नहीं मिले तो बहुत सारे ऐसी अच्छी चीज़ें थी वेयर दे कुड परफॉर्म गुड इन देयर लाइफ दे कुड हैव अचीव्ड एमिनेंस एंड फेम गुड हैव डन समिंग गुड इन देयर लाइफ वो सब मौके उन्हें नहीं मिले बट लास्ट एंजा नंबर सेवनटीन में हमने देखा कि पोइट कहते हैं उनको कुछ अच्छा करने का मौका नहीं मिला बट एट दाइम उन्हें कुछ गलत करने का अवसर भी नहीं मिला तो ये एक अच्छी बात हुई तो यही सेम आइडिया जो है वो अब स्टैंडा नंबर 18 में कंटिन्यू कर रहा है आई होप अगर आपने 16 और 17 स्टैंडा सुना है तो यू विल गेट आइडिया क्विकली आई शेल नॉट रिपीट हियर नाउ लेट अस सी स्टैंडा नंबर 18। तो यहां पर भी सेम आइडिया कंटिन्यू कर रहा है लेटस सी द लाइन्स द स्ट्रगलिंग पेंजेज ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड द क्वेंच द ब्लश ब्लाश ऑफ इंजीनियस शेम और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम तो यहाँ जो हैं वो कवि ये कह रहे हैं कि Uh, उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा आई uh, मीन I mean, uh, जो uh, हमने लास्ट टाइम जब मैं डिस्कस किया था कि जो गलत काम वो नहीं कर पाए अच्छे तो वो नहीं कर पाए उनको मौके नहीं मिले दे कुड नॉट रिवील देयर टैलेंट्स दे कुड नॉट ब्लूम दे दे कुड नॉट पॉलिश देयर स्किल्स बट एट द सेम टाइम दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू कमिट एनी क्राइम और क्या क्या नहीं वो कर पाए वो हम देखते हैं हैंजा में पोइट कह रहे हैं द स्ट्रगलिंग पैंजेज ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड अब अब इसके पहले लिख लीजिए द दे कुड नॉट द डेड फोर फादर्स ऑफ द विलेज और यू कैन राइट द डेड विलेजर्स कुड नॉट डू उनको ये नहीं करना पड़ा क्या नहीं करना पड़ा तो इसको आगे आप कनेक्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली तो उन्हें क्या नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग द ऑपरचुनिटीज दर्चुनिटी टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग तो जब हम क्या कहते हैं कि कुछ असाधारण करने का मौका तो वो असाधारण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है तो यहाँ नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं टॉमस ग्रे उनको क्या नहीं करना पड़ा दे दे कुड नाट डून ये इनकी मजबूरी नहीं बनी कि वो ऐसा कुछ करते वो था the struggling पेंजेस ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड स्ट्रगलिंग स्ट्रगल हम जानते हैं संघर्ष करना यानी जब हम किसी चीज को रोकने के लिए उससे संघर्ष करते हैं हिंदी में हम इसको कह सकते हैं संघर्ष करना तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उनको किस चीज़ से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पेंजिज ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड हाइड माने छुपाना ट्रुथ यानी सत्य और पैंज मीन्स पीड़ा फीलिंग ऑफ पेन कॉन्शियस ट्रुथ मीन्स समथिंग विच इज़ ट्रू जब कोई चीज़ सही होती है यहाँ ट्रुथ से मतलब है राइट uh, समथिंग right, जो सही है समथिंग विच इज़ फेयर वो अगर हमें अगर हम वो नहीं करते तो कभी कभी ऐसा होता है और ज्यादातर ऐसा तब होता है वेन वी लिसन टू आवर कंसाइंस हम जिसको कहते हैं कि हमारी तरात्मा या हमारा अंदर का मन हमें ये बताता है व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग और ये हमारा जो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होता है ये इट ऑलवेज इंडिकेट्स अस वेदर वी आर वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू इज राइट और नॉट तो जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो ये अंदर से हमें एक हमारा uh, uh, एक मैसेज मिलता है हमारा मन हमें एक मैसेज देता है कि दिस इज नॉट राइट तो उन उसको जब कोई भी क्रिमिनल होता है तो ज़रूर उसको भी इस तरह के मैसेजेस मिलते होंगे इस तरह की फीलिंग आती होगी विच मे विच ही और शी माइट हैव दे माइट सप्रेस वो उसको दबा देते होंगे दे माइट इग्नोर दैट पर uh, ये काम इनको नहीं करने पड़े तो वो उस फीलिंग को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं द स्ट्रगलिंग पेंजेस तो पेंचिजमी ने मतलब दर्द तो दर्द उस दर्द को क्योंकि अंदर से वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही है इफ दे आर कमिटिंग समथिंग रॉन्ग एंड देयर माइंड इज टेलिंग देम देयर कंसाइंस इज टेलिंग देम दिस इज नॉट राइट तो देन वो एक स्ट्रगल चलता चलता है माइंड के अंदर वो एक डिलेमा होता है एक अंतरद्वंद जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो उनके मन में संघर्ष जिसको स्ट्रगल जो ये कह रहे हैं तो जो दैट डिलेमा दैट फीलिंग ऑफ पेन विच गोज ऑन इन देयर माइंड एंड देन दे हैव टू सप्रेस सप्रेसेस हाइड का मतलब आप यहाँ सप्रेस कर सकते हैं कि जब उनके मन में जब इफ दे डू समथिंग रॉन्ग तो उसको दबाना पड़ता है और वो दबाना जो है वो इट क्रिएट्स पेन और ये जो पेन है वो हमेशा फिजिकल नहीं होता कुड बी इमोशनल आल्सो तो दे हैव टू डू दिस थिंग दे हैव टू किल देयर कंसाइंस एक तरह से अपनी अंतरात्मा को उन्हें मारना पड़ता है तो ये सब इनको नहीं करना पड़ा जो ये ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं जो समटाइम्स वो ऐसा करते हैं और उन्हें क्या नहीं करना पड़ा तो द क्वेंच द ब्लाश ऑफ इंजीनियर्स शेम शेम यानी शर्मिंदगी तो अगर इफ़ समवन डज समथिंग रॉन्ग अगर वो कुछ गलत करते हैं और क्वेंच कहते हैं बेटा बुझाना अब वो प्यास बुझाना भी हो सकता है आग बुझाना भी हो सकता है तो आ, तो वो ये कहते हैं कि उनको ब्लश blush, ब्लशेस कहते हैं वैसे तो आ, इसका शाब्दिक अर्थ है श, आ, जो शर्म से चेहरा लाल हो जाता है तो यहाँ भी लगभग वही रेफरेंस है जो फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो सम हाउ इट कम्स ऑन हिज और हर फेस उसके चेहरे पर वो चीज आ जाती है एंड देन दैट पर्सन नीड्स टू बी वेरी क्लेवर टू हाइड इट उसको बहुत ज्यादा चतुर अगर है तो उसको छुपा पाता है नॉर्मल पर्सन उसको नहीं छुपा पाता वो उसके चेहरे पर आ जाता है दिस इज द आर्ट ऑफ नेचर नेचर ने उसे कुछ बनाया ही ऐसे है कि वो चीजें जो हम गलत करते हैं वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और उसको छुपाना है जैसे फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि उसको अपनी अंतरात्मा को मारना पड़ता है उसी तरह टू क्वेंच द ब्लाशेज ऑफ इंजीनियस शेम शेम मीन्स इफ द पर्सन डज समथिंग विच इज शेमफुल फुल विच इज नॉट राइट अगेन द थिंग विच इज नॉट राइट वन मस्ट बी च uh, you know, का मतलब है एक तरह से छिपाना कि वो जो शर्मिंदगी है ब्लश का मतलब है यहाँ शर्मिंदगी टू हाइड दैट फीलिंग ऑफ शेमफुलनेस कि वो उसको जो शर्म uh, महसूस होती है कि मैंने कुछ गलत किया तो उसको वो छुपाने का प्रयत्न करता है तो ये सारे काम इनको नहीं करने पड़े क्योंकि इन्हें गलत काम करने का मौका ही नहीं मिला और इन्हें क्या नहीं करना पड़ा नेक्स्ट लाइन में देखिए और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूजेज फ्लेम अब इंग्लिश में जो म्यूज है वो जाता है गॉडेस ऑफ पोइट्री और गॉडेस ऑफ विजडम और गॉडेस ऑफ नॉलेज uh, जैसे इंडियन माइथोलॉजी uh, में हम कह सकते हैं कि सरस्वती जी को माना जाता है विद्या की देवी जो कि ज्ञान की देवी भी हैं या कविता संगीत जो भी क्रिएटिव फील्ड्स के लोग होते हैं वो उनको अपना आ, एक तरह से आराध्य मानते हैं mm -hmm. तो वो अगर कोई कला किसी को मिलती है तो इट इज़ समथिंग वेरी प्योर एंड डिवाइन एंड रेयर क्योंकि हर किसी को वो टैलेंट नहीं मिलता लेकिन कई बार क्या होता है कि देर आर सम हु हैज दिस टैलेंट हु हैव दिस टैलेंट ऑफ राइटिंग गुड पोएट्री बट आउट ऑफ ग्रीड दे यूज इट प्लीज सम सम किंग्स और सम एम्पर टू गेट सम मटेरियल बेनिफिट्स फ्रॉम देम वो किसी राजा को खुश करने के लिए अपनी जो उनको टैलेंट है उनका ऑफ़ राइटिंग पोएम दे यूज़ इट कि उसको खुश करके उनको कुछ पुरस्कार मिल जाए तो इन अ वे वो मैनिपुलेट करते हैं अपनी पोइट्री को जो टैलेंट उनके पास है उसको वो सही जगह इस्तेमाल नहीं करते mm. तो यहाँ वो कह रहे हैं उनको क्या नहीं करना पड़ा हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड अब लग्जरी को हिंदी में विलासिता कहते हैं समथिंग विच इज नॉट नीडेड कोई ऐसी चीज है जिस जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है जो हमें आलस्य से, से भर देती है तो ये आ, प्राइड यानी गर्व तो पर्सन हु आर हैविंग दीज फैसिलिटीज़ ऑफ लग्जरीज एंड प्राइड तो वो बहुत हाई प्लेस लोग होते हैं जनरली uh, बहुत वी कैन से यहाँ क्योंकि जिस तरह का रेफरेंस है कि उनके प्रशंसा में कविताएं लिखी जाएं तो जनरली इट इज़ डन फॉर दी किंग्स और एम्परर्स तो उनके लिए लिखी जाती हैं तो इन्होंने क्या नहीं किया हीप मन इकट्ठा करना श्राइन uh, कहते हैं एक तरह से um, यू यहाँ पे श्राइन का मतलब आप थ्रोन समझ सकते हैं सिंहासन समझ सकते हैं तो सिंहासन की प्रशंसा में उन्होंने इकट्ठा नहीं किया हीप माने कुछ चीज़ें इकट्ठा करना मतलब ढेर लगा देना क्या ढेर लगा देना जैसे कुछ उनके लिए पोएम्स हैं ना तो और वो कैसी पोएम्स हैं विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम म्यूज जैसे मैंने आपको बताया जो गॉडेस ऑफ विजडम है या गॉडेस ऑफ पोइट्री है तो वो उनकी उनकी फ्लेम का मतलब है एक तरह से यहाँ टैलेंट जो टैलेंट गॉडेस ऑफ पोइट्री ने उनको दिया है तो उसको उनकी सेवा में यूज़ करने की जगह उनके uh the talent which is given by the uh, muse goddess muse instead of using it in the service of uh, mankind or uh, for the art's sake दे यूज इट टू प्लीज सम एम्परर एंड किंग्स किसी राजा को की प्रशंसा में वो खर्च करते हैं तो वो ट्रू पोइट्री तो कभी नहीं होती इफ़ दे आर राइटिंग जस्ट टू प्लीज सम वन तो वो फेक पोइट्री हुई तो uh, कहने का मतलब है ये जो तीनों रेफरेंस यहाँ आए हैं स्टेंजा में हम देखते हैं कि तीनों में एक तरह से झूठ का आवरण है दे आर फेकिंग समथिंग दे आर शोइंग समथिंग समिंग आर्टिफिशियली जो कि नहीं है उसको दिखाने का एक झूठा प्रयास वो करते हैं तो एक झूठ को प्रोजेक्ट करने की कोशिश है विच इज नॉट राइट तो ये सब इन जो गांव वाले हैं जो जो डेड विलेजर्स हैं इनको ये सब झूठा नहीं करना पड़ा मीन्स दे डिड नॉट हैव टू लिव अ फेक लाइफ अन एंड अनफेयर लाइफ उनको एक झूठा और गलत जीवन में का जो है जीवन उनको नहीं जीना पड़ा ऐसा कोई आचरण उनको नहीं करना पड़ा तो आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू ऑल थैंक यू वेरी मच आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा एंड इफ यू फाइंड इट यूज़फुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू